हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इनोवेटिव कुकिंग। यहाँ पे हम इंडियन कुकिंग को इनोवेट करते हैं। अगर आप बहुत सारी इनोवेटिव चीजें बनाना सीखना चाहते हैं जो कि बहुत क्विक एंड इजी होती है, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप अपना कमेंट लिख सकते हैं, मैं आपके कमेंट पे रिप्लाई करूंगी। आपको जो भी सीखना हो, मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ निमकी कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मैदा 1 कप, रिफाइंड ऑयल 1 बाउल, नमक टू टेस्ट, अजवाइन, हींग एंड वाटर। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, हम इसमें अबाउट 1 कप मैदा ऐड करेंगे। अब हम इसमें अबाउट 1/4 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा अजवाइन ऐड करेंगे, अबाउट 1 पिंच, और हम उतना ही इसमें अब हींग ऐड करेंगे, बिल्कुल 1 पिंच, उससे ज़्यादा ऐड नहीं करना है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे, 1 to 2 टेबल स्पून, उससे ज़्यादा नहीं, और अब हम इसे मिक्स करेंगे। जैसे हम आटे का डो बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमें इसका भी डो बनाना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। 2 टेबल स्पून वाटर मैंने इसमें लिया है। अब हम इसको हिलाएंगे अच्छे से, ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे रोटी का मिक्सचर हम प्रिपेयर करते हैं, बिल्कुल वैसे हमें करना है। आपको भी ऐसे ही अच्छे से ब्लेंड करके, और बिल्कुल जैसे आप आटे का डो प्रिपेयर करते हैं, वैसे ही आप इसे प्रिपेयर कर लें। मैंने ये पहले से ही प्रिपेयर करके रखा हुआ है, ये देखिए। ये बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होगा, बहुत हार्ड नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए। इसका टेक्स्चर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, ये देखिए। अब हम इसकी छोटी छोटी लोई बनाएंगे। और इसे ऐसे गोल कर लेंगे, जैसे आप रोटी के लिए बनाते हैं। हम ऐसे इसका पेरा बना लेंगे, और अब हम लेंगे एक रोलर, और रोलर से इसको रोल करेंगे। ये देखिए, आपको इससे बहुत पतला नहीं रोल करना है, बहुत मोटा भी रोल नहीं करना है। आप बहुत मोटा रोल करेंगे तो ये निमकी बनने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो इसीलिए हम इसे बहुत ज्यादा थिक नहीं रखेंगे, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं रखेंगे। अब हम एक चाकू की मदद से इसे काट लेंगे। आप इसे जैसा चाहें वैसा काट सकते हैं, थोड़ा मोटा भी काट सकते हैं, थोड़ा पतला भी काट सकते हैं। निमकी एक बहुत ही अच्छा स्नैक्स है, आप इसे सुबह चाय के साथ ले सकते हैं, शाम को ले सकते हैं। आप जब ट्रैवल कर रहे हो तो आप निमकी बना के रख सकते हो, ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। आप इसे अबाउट 1 मंथ के लिए स्टोर करके रख सकते हो, ये बहुत ही अच्छा स्नैक्स है, आप इसे कभी भी खा सकते हो। बस आपको ये एयर टाइट डब्बे में बना के इसे रख देना है, इसमें हवा नहीं लगना चाहिए। और एक और बात का ध्यान रखें कि जब आप निमकी बनाएं तो उसे बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने दें, तभी आप उसे एयर टाइट डब्बे में रखें। बस हमारी निमकी कटकर तैयार है, अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए एक पैन। अब इस पैन में हम अपना रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे, अबाउट 1 बाउल। हम गैस ऑन करेंगे, क्योंकि हम डीप फ्राई कर रहे हैं इसीलिए हमने तेल का अमाउंट इतना ज़्यादा रखा है। हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, आप भी रिफाइंड ऑयल का यूज़ करें, क्योंकि निमकी का टेस्ट इसी से बहुत बेटर आता है। हमारा तेल गर्म हो चुका है। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना हमारी जो निमकी है वो ऊपर से तो लाल हो जाएगी पर अंदर से वो कच्चा रह जाएगा, इसीलिए आप तेल को मीडियम गर्म करें। अब हम अपना निमकी लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके लेंगे, हम ज़्यादा नहीं लेंगे, और अब हम इसे तेल में पोर करेंगे धीरे धीरे से। ये देखिए कुछ ऐसे, मैं थोड़ा और लूंगी। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आपका गैस का फ्लेम हाई नहीं हो, गैस का फ्लेम आपका मीडियम हो, बहुत कम भी नहीं रखना है आपको गैस का फ्लेम।
और आप एक और बात को ध्यान दें कि आप बहुत ज्यादा निमकी एक बार में ऐड ना करें, वरना वो निमकी आपका खुलकर नहीं अच्छे से पकेगा। अब यहाँ पे आप निमकी को हल्का हल्का मिलाएं। आपको निमकी को तब तक पकाना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए, और आप इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकाएं। फ्लेम बहुत ज्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। ये देखिए निमकी पकना तैयार शुरू हो चुका है। आप निमकी को 1 से 1.5 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं, लेकिन स्टोर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप निमकी को अच्छे से साफ डब्बे में, साफ एयर टाइट डब्बे में स्टोर करें, तभी आपका निमकी 1 महीने तक या उससे ज़्यादा तक अच्छे से रहेगा, वरना वो ख़राब हो जाएगा। तो बस ये देखिए निमकी का कलर चेंज होने लगा है, ये हल्का हल्का रेड हो गया है, लेकिन अभी हमें इसे और चलाते रहना है, इसका कलर अभी गोल्डन ब्राउन होगा। और ध्यान रहे फ्लेम बिल्कुल मीडियम होना चाहिए, हाई फ्लेम नहीं करेंगे हम। निमकी को मिलाते रहें। ये निमकी पकने में अबाउट 5 से 10 मिनट्स लगता है। अगर आप मोटे मोटे साइज का निमकी काट रहे हैं तो आप थोड़ा और फ्लेम को बिल्कुल कम रखें, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लिया है, मीडियम साइज़ का लिया है निमकी, इसलिए मैंने फ्लेम को मीडियम पे रखा हुआ है, और इसलिए मेरा ये निमकी 5 से 10 मिनट में पक जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मोटे साइज़ का निमकी लेती तो मुझे और टाइम लगता उसे पकाने में, फॉर अबाउट 15 मिनट्स। ये देखिए हमारे निमकी का कलर चेंज हो चुका है, ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। ये बनकर तैयार है। आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप भी निमकी बनाएं तो उसका कलर कुछ ऐसा होना चाहिए, गोल्डन ब्राउन कलर का। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है तो आप इसे 1 और मिनट तक डीप फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए हमारा निमकी बनकर तैयार है, और हमने इसकी प्लेटिंग भी कर दी है। अब आप इसको ठंडा कर लें, और जब भी ठंडा हो जाए तो आप इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख दें। आपका निमकी 1 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। जिन लोगों को भी निमकी बनाना नहीं आता है या आप कुछ और भी बनाना सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आप ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और भी ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ बनाती रहूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। थैंक यू।